हम इसमें फायर अलार्म डिजाइन करेंगे। फायर अलार्म यानी अगर आपके कहीं पे आग वगैरह लगा है, फायर लगा है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लें। तो उसके लिए जब हमने कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, मैंने अलग अलग प्रकार के रेजिस्टर्स के बारे में आपको बताया था। तो उसमें हमारे कुछ फिक्स वैल्यू रेजिस्टर्स थे, कुछ हमारे वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी थी रेजिस्टर्स की, एनवायरमेंटल रेजिस्टर्स, यानी ऐसे रेजिस्टर्स जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे एनवायरमेंट कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या हमारा लाइट की इंटेंसिटी हो सकती है, उन पर डिपेंड करता है। उन्हें हम एनवायरमेंटल रेजिस्टर्स कहते हैं, जो कि शायद एक क्लास में, आई थिंक डे थ्री जो था हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2020 का डे थ्री था, उसमें हमने आपको शायद डे फोर में हमने एलडीआर बेस्ड एक स्ट्रीट लाइट आपसे डिजाइन भी कराई थी। तो वो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। एलडीआर मींस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या फोटो रेजिस्टर, यानी जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करे, ऐसा रेजिस्टर। उसी तरह से हमारा एनवायरमेंटल रेजिस्टर्स में ही दूसरा होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मीन्स एक ऐसा रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू तापमान यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करे। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, थर्मिस्टर में हमारे दो टाइप्स होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी मींस नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, ठीक है, पीटीसी मींस पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो एनटीसी यानी एनटीसी टाइप के थर्मिस्टर में क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर, कि मैंने डेल्टा से टेम्परेचर को दिखाया है, अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो एनटीसी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा यानी घटेगा। और अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू घट रही है, यानी डेल्टा की वैल्यू घट रही है, टेम्परेचर डेल्टा की वैल्यू घट रही है, तो एनडीसी रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यदि हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट यानी पीटीसी टाइप के थर्मिस्टर में यदि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। और अगर हमारे पीटीसी टाइप थर्मिस्टर में टेम्परेचर की वैल्यू आप घटा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी। तो ये हमारी वर्किंग होती है एनटीसी और पीटीसी की। एनटीसी थर्मिस्टर को मैंने टेस्ट करके भी दिखाया था, हमारी पहली क्लास थी शायद, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2020 की जो पहली हमारी क्लास थी, इंट्रोडक्शन का परिचय मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें एनटीसी टाइप के थर्मिस्टर को मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखाया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट रहा है, और जब हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो थर्मिस्टर की इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ फायर अलार्म्स बनाएंगे। यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, ये हमारा पहला फायर अलार्म है, फायर अलार्म यूजिंग पीटीसी टाइप थर्मिस्टर, ठीक है। ये उसका सर्किट डायग्राम है। उसी तरह से ये हमारा एक दूसरा सर्किट है, फायर अलार्म यूजिंग एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट थर्मिस्टर। तो ये एनटीसी टाइप के थर्मिस्टर का यूज करके हमने एक फायर अलार्म डिजाइन किया है। तो इसको समझने के लिए मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, एक बार फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वाटर करंट एनालॉजी का। इस तरह से सपोज हमारा एक हॉलो पाइप है, अगर आप इस पाइप में इधर से कुछ वाटर फ्लो करें इस टाइप से, तो हमारा वाटर सारा नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यदि हमारे वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारा सारा नीचे की तरफ निकल जाएगा, इस तरफ फ्लो नहीं होगा। या दूसरी कंडीशन हमारी हो सकती है, हम इसको नीचे से ब्लॉक कर दें पाइप को, या इसमें कुछ भर दें, तब हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नीचे की तरफ निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमारा इस तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है, इस तरफ। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, एनटीसी थर्मिस्टर, एक ट्रांजिस्टर लिया है एनपीएन टाइप का, और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमिटर को हमने ग्राउंड किया है। कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो कलेक्टर पे एक एलईडी का कैथोड टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है, और एलईडी के एनोड टर्मिनल को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। उसी तरह से हमने एक बजर लिया है, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और
नेगेटिव टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, क्योंकि आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर नेगेटिवली डोप्ड होता है, एन टाइप होता है, तो उससे जो आउटपुट हमें मिलेगा कलेक्टर पे वो नेगेटिव मिलेगा, इसलिए हम एलईडी का कैथोड और बजर का नेगेटिव ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ये हमारी एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म आप बोल सकते हैं। ये हमारा 10 किलो ओम का एनटीसी थर्मिस्टर है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप, और ये हमारा 470 ओम का एक रेजिस्टर है। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा इस पॉइंट से, उसे हम 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट करते रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि कोई आग नहीं लगी हुई है, यानी फायर नहीं है। जब फायर नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसके आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, यानी टेम्परेचर बहुत लो होगा। तो पहली कंडीशन हम ले ले रहे हैं लो टेम्परेचर। यानी आग नहीं लगी है, किसी तरह की फायर कॉज नहीं हुई है, तो टेम्परेचर लो रहेगा। और मैंने बताया कि एनटीसी थर्मिस्टर में अगर टेम्परेचर लो रहता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, ज्यादा रहता है, यानी मैक्सिमम रहता है। तो सपोज हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी करंट ऐसे फ्लो होती है बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो सपोज इस तरह से हमारी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये हमारा 9 वोल्ट बैटरी है जिसका करंट रेटिंग होता है समथिंग 230 मिली एम्पीयर। करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, क्योंकि आग नहीं लगा हुआ है अभी, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, वो बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी करंट का बहुत ज्यादा अपोज करेगा। तो सपोज 230 मिली एम्पीयर यहाँ से फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से, और यहाँ हमें इस पॉइंट पे इसके अक्रॉस ड्रॉप होके समथिंग मिल रहा है 100 मिली एम्पीयर। हम समझ लें कि हमें 100 मिली एम्पीयर के समथिंग मिल रहा है। ठीक है, सपोज इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए हमें 80 मिली एम्पीयर, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा हूँ, सपोज कर रहे हो इसको ऑन कराने के लिए इसके बेस पे मुझे 80 मिली एम्पीयर करंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस 100 मिली एम्पीयर में से समथिंग 60 मिली एम्पीयर के आसपास हमारा इस तरफ ग्राउंड हो गया, और 40 मिली एम्पीयर के अराउंड करंट हमारा समथिंग 40 मिली एम्पीयर ट्रांजिस्टर की बेस पे पहुंचा, जो कि थोड़ा बहुत इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, तो वो सफिशिएंट नहीं है इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा पाने में, कंडक्ट करा पाने में, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर्स ऑन नहीं होगा, और इसकी वजह से कलेक्टर पे जो आउटपुट है वो जीरो रहेगा, जिससे हमारा बजर और एलईडी ऑन नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है अगर आग लग जाता है, आग लग जाता है तो क्या होगा, उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के केस में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर जैसे ही हुआ एनटीसी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये 10 किलो ओम था अभी, तो 10 किलो ओम से डिक्रीज होके ये हो सकता है 1 किलो ओम या 470 ओम के आसपास डिक्रीज होके आ जाए। तो करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे 230 मिली एम्पीयर है, और क्योंकि एनटीसी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज अब हो चुका है, तो इसके अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, या करंट को ये बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं करेगा, उस केस में हमें यहाँ पे 230 में से सपोज 200 मिली एम्पीयर के आसपास मिल रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, जिसमें से सपोज 60 या 80 मिली एम्पीयर हमारा ग्राउंड हो गया, या सपोज मान के चल सकते हैं 120 मिली एम्पीयर हमारा ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि इस तरफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी कम रखी हुई है हमने, तो 120 मिली एम्पीयर हमारा ग्राउंड हो गया, और तब इसमें से कुछ इस तरफ यानी 80 मिली एम्पीयर के आसपास हमारा
80 या हम समझ सकते हैं 100 मिली एम्पियर के आसपास, इस तरफ हम मान के चल रहे हैं 100 मिली एम्पियर और इधर हमारा 80 मिली एम्पियर के आसपास ग्राउंड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो मीन्स ये है कहने का कि ट्रांजिस्टर के बेस पे अब सफिशियंट अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगी जिससे हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बेस पे सफिशियंट अमाउंट में करंट हमें मिलने लगेगी जिससे हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और इसका कलेक्टर से जो आउटपुट है वो हाई मिलेगा, यानी जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो बेस से एमिटर की तरफ करंट हमारी फ्लो होगी और एमिटर से कलेक्टर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो हमारे इस एलईडी और बजर को ऑन करा देगा, ठीक है। तो जिससे हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वहाँ पे आसपास आग लगा है। इसी तरह से आप हमारे पास अगर एनटीसी थर्मिस्टर की जगह पीटीसी थर्मिस्टर है तो उनका जो प्लेस है यानी इस पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में जो हमने अरेंज किया हुआ है तो सिर्फ उनका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। एनटीसी को हम नीचे की तरफ लगा लेंगे और ये रेजिस्टर जो है ऊपर की तरफ रिप्लेस हो जाएगा। रेजिस्टर की वैल्यू आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट पीटीसी और एनटीसी की तरफ हेल्प से पीटीसी और एनटीसी जो थर्मिस्टर हैं हमारे उनकी हेल्प से आप इसी तरह से फायर अलार्म डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसी सर्किट को अभी ब्रेड बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये सर्किट वर्क करेगा या नहीं। उसके बाद ये हमारा फायर अलार्म का सर्किट है यूजिंग एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट टाइप थर्मिस्टर, तो जिसमें हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है, उसके एमिटर को ग्राउंड किया हुआ है और ये 10 किलो ओम एनटीसी का थर्मिस्टर को हमने 470 ओम रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में लगाए हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना रहे हैं यानी वोल्टेज डिवाइडर की फॉर्म बन रही है और इधर कलेक्टर से हम एक एलईडी हमने कनेक्ट की हुई है, ठीक है। इसके साथ आप चाहें तो बजर भी लगा सकते हैं इस तरह से, इसी के जस्ट पैरेलल में आप लगा देंगे। इस टाइप से आप एक बजर भी यहाँ पे लगा सकते हैं इसके साथ पैरेलल में। तो सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पे इस तरह से पावर सप्लाई देंगे। सपोज इस रो में मैंने बैटरी का पॉजिटिव यानी रेड टर्मिनल कनेक्ट कर दिया तो इसमें पॉजिटिव कनेक्शन अवेलेबल रहेगा, इसमें मैंने ग्राउंड यानी बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया तो इसमें नेगेटिव कनेक्शन अवेलेबल रहेंगे इस टाइप से। उसके बाद मैं एक ट्रांजिस्टर एक एम्बिएंट ट्रांजिस्टर अपने ब्रेडबोर्ड पे लगा लूँगा इस टाइप से। तो आपने देखा है कि इस ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर हमारा BC547 ट्रांजिस्टर का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले भी BC547 की टेस्टिंग में मैंने आपको दिखाया मल्टीमीटर से टेस्ट करके कि BC547 के फ्लैट साइड जो होता है चपटा वाला उसके लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो पहला टर्मिनल कलेक्टर होता है, बीच वाला बेस और लास्ट वाला थर्ड टर्मिनल इसका एमीटर होता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग एमीटर टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में हमने इस ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल को इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में इस तरह से एक वायर इंसर्ट करके हम उसे बैटरी के इस रो से मतलब इस रो में हम इंसर्ट कर देंगे जिससे बैटरी के इस वायर के थ्रू से नेगेटिव कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारे दो एक एनटीसी थर्मिस्टर और एक 470 ओम का रेजिस्टर लगा है। तो एनटीसी थर्मिस्टर का एक टर्मिनल आप देख रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका दूसरा टर्मिनल मैं ऐसे अभी फिलहाल में किसी भी कॉलम के अंदर इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ये मैंने कर लिया इस कॉलम में, इसका दूसरा टर्मिनल मैंने इंसर्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं इस थर्मिस्टर का दूसरा टर्मिनल एक 470 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ग्राउंड है बैटरी के,
एक रजिस्टर यानी 470 ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल मुझे थर्मिस्टर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करना है इससे, तो मैं क्या करूँगा, यानी जिस कॉलम में ये वाला टर्मिनल इंसर्ट हुआ है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं एक 470 ओम रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल इस टाइप से इंसर्ट कर लूँगा, और उस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को मैं इस रो में यानी जिसमें मैंने बैटरी का ग्राउंड कनेक्शन दिया है उसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दूँगा। तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म आपकी अब बन गई। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का बेस यानी बीच वाले टर्मिनल पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा है, ये मैंने लगा दिया इस टाइप से, और उस रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल जहाँ से ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म यानी एनटीसी थर्मिस्टर का एक टर्मिनल और 470 ओम रेजिस्टर का एक टर्मिनल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने रेजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करके रखा हुआ है जो ये 1 किलो ओम बेस पे लगा हुआ है उस वाले को, तो ये मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टर की लीड्स को, फिर आपको अलग से कोई इस तरह का एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन मेरा हो गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एक एलईडी का कैथोड टर्मिनल लगा हुआ है, तो ये मेरी एक एलईडी है उसका कैथोड टर्मिनल यानी वो टर्मिनल होगा जिसकी लेंथ थोड़ा कम है, तो ये मैंने इस तरह से कैथोड पे सॉरी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एलईडी का कैथोड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इस एलईडी का एनोड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, और इस कलेक्टर पे एक बजर का नेगेटिव टर्मिनल और बजर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से यानी इस एलईडी के पैरेलल में मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा बजर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी एक टर्मिनल की लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगी एक की थोड़ा कम होगी, तो जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा है वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस बजर का, जिसकी लेंथ कम है वो यानी नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो मैं इसको कहीं भी ऐसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ और एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैं देख लूँगा किस कॉलम में इसका नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है तो इसको मैं कलेक्टर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दूँगा, यानी जिस कॉलम में मैंने ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं इस वायर की हेल्प से बजर के नेगेटिव को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दूँगा इंसर्ट करा के इस टाइप से, ये ओके है। उसके बाद इसी ट्रांजिस्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा होगा उसको मैं एक वायर की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ये ओके है, ठीक है। तो मेरे सारे कनेक्शन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे इस टाइप से। तो अभी आप देख रहे हैं कि इनिशियली जब यहाँ पे कोई फायर नहीं है, ये हमारा थर्मिस्टर है एनटीसी टाइप में, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, कोई फायर या आग नहीं है, तो आप देख रहे हैं बजर ऑफ है और हमारी एलईडी भी ऑफ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके आसपास कोई आग लगेगी यानी हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो ये उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और ट्रांजिस्टर के बेस पे सफिशिएंट अमाउंट में करंट मिलने लगेगी जो इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करा देगी, ऑन करा देगी, जिससे हमारा बजर और एलईडी ऑन हो जाएंगे, जिसकी मैं थ्योरी आपको कवर कर चुका हूँ उससे पहले। कि देखिए ठीक है, तो जैसे ही मैंने आग इसके पास में लगाया आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा आसपास का, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका थर्मिस्टर का एनटीसी टाइप थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से मेरा ये एलईडी और ये बज़र हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अभी जैसे जैसे देख रहे हैं आप टेम्परेचर कम हुआ तो बज़र ऑफ हो गया है और एलईडी भी धीरे धीरे हमारी ऑफ होती जा रही है, मैं इसको और जल्दी से ठंडा कर दे रहे हैं, तो जैसे ही ये कूल डाउन हुआ हमारा एलईडी और बज़र ऑफ हो गया। आप चाहें तो आयरन की हेल्प से भी इसको टेम्परेचर दे सकते हैं थोड़ा सा, तो ये आयरन मेरा हीटअप हो रखा है, मैंने इसके पास में ला के रखा,
तो आप देखना धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर इसके आसपास का बढ़ रहा है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और मेरी एलईडी ऑलमोस्ट ऑन हो चुकी है, बजर जस्ट ऑन होने वाला है। एलईडी को का जो ऑपरेटिंग करंट या ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो कम होता है, बजर का ऑपरेटिंग वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा डिक्रीज होगा तब बजर ऑन होगा, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बजर ऑन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि थर्मिस्टर ठंडा होता जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर, हम उसके थर्मिस्टर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि ये एनटीसी है और एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी और हमारा बजर भी ऑफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फिंगर से इसको टच करके थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो बजर ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका है, यानी साउंड बहुत कम आ रही है अभी आपको और एलईडी भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब एलईडी आपकी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ठीक है, ग्लो करना बंद कर चुकी है। तो इस तरह से हमारा फायर अलार्म वर्क करता है। पिछले क्लास में हम एंड गेट, ऑर गेट और हमारे नॉट गेट की जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनकी वर्किंग को एनालाइज कर चुके थे, उसका थ्योरी एनालिसिस कर चुके थे। अभी उसी ऑर्डर में हम नैंड गेट का सर्किट डायग्राम है ये, इसकी वर्किंग को समझेंगे, उसके बाद हम नॉर गेट की वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले हम नैंड गेट की वर्किंग को समझते हैं, उसके बाद सारे लॉजिक गेट्स को हम ब्रेड बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करके उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा नैंड गेट का सर्किट डायग्राम हो सकता है, टू इनपुट नैंड गेट। तो इसमें आप इनपुट्स देख रहे हैं ए और बी, यहाँ से हम दो इनपुट्स देंगे। इसमें दो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का यूज हमने किया है, इसको हम टी वन समझ सकते हैं, इसको टी टू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमने ट्रांजिस्टर, ये टी वन हमारा हो गया, T2 का जो एमिटर टर्मिनल है हमने उसको ग्राउंड किया हुआ है, यानी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और ट्रांजिस्टर T1 का एमिटर को हमने ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट किया है, और ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर है वो हमने 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने एक LED का एनोड टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एलईडी का कैथोड टर्मिनल वो एक ये यहाँ से हमने ग्राउंड कर दिया, यानी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और दोनों ट्रांजिस्टर्स क्योंकि एनपीएन टाइप हैं तो दोनों को हाई करने के लिए हमें बेस पे एक्टिव हाई इनपुट चाहिए, यानी पॉजिटिव इनपुट चाहिए, तो हम एक स्विच और रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों के बेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे T1 की बात करें तो 1 किलो ओम का रेजिस्टर स्विच इनपुट के लिए और ये बैटरी का पॉजिटिव, उसी टाइप से ट्रांजिस्टर T2 का बेस पे 1 किलो ओम रेजिस्टर, एक स्विच और बैटरी का पॉजिटिव। अब इनकी वर्किंग समझते हैं। ये हमारा ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का, जो कि एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट होता है। एंड गेट में क्या होता था, 0-0 अगर है दोनों इनपुट्स तो क्या होता था, उसका आउटपुट 0 होता था, लेकिन यहाँ पे 1 होगा। एंड गेट में यदि हमारा 0-1 है इनपुट तो क्या होता था, 0 होता था आउटपुट, यहाँ भी हमारा 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसी तरह से 1-0 अगर होते थे एंड गेट में तो हमारा आउटपुट 0 होता था, लेकिन यहाँ पे 1 होगा। एंड गेट में केवल एक परिस्थिति में, एक कंडीशन में हमारा आउटपुट हाई रहता था एंड गेट का, जब दोनों इनपुट्स हाई हों। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नैंड गेट है तो एंड का अपोजिट होगा, इसलिए यदि दोनों इनपुट्स हाई हैं ए और बी, इसलिए हमारा आउटपुट जो होगा वो 0 यानी लो होगा। ठीक है, तो ये हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है। इस तरह से हम इसका एक बुलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन ले लें, उसको वेरीफाई करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। सपोज हमारा ए और बी दोनों स्विचेस ओपन हैं, ठीक है, दोनों ओपन हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे
कोई भी एक्टिव हाई सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा जिससे हमारा दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ देखेंगे कलेक्टर पे जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो कलेक्टर पे जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। और आप यहाँ से देखिए एलईडी का नेगेटिव यानी कैथोड हमने बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और ये एनोड 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो करंट हमारी कैसे फ्लो होगी, इस टाइप से आई हमारी रेजिस्टर के अक्रॉस होते हुए इस एलईडी के थ्रू फ्लो हो जाएगी जिससे हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी यानी हाई। तो हमारी ये वाली कंडीशन वेरीफाई होगी। दूसरी कंडीशन, यदि हमारा ट्रांजिस्टर ए ओपन है यानी ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे कोई इनपुट नहीं है यानी इनपुट ए हमारा जीरो है और इनपुट बी हमारा हाई है यानी वन है, ये वाली कंडीशन, तो क्या होगा? अब हम देखते हैं, हमने ट्रांजिस्टर इसको ट्रांजिस्टर T2 का बेस हाई कर दिया यानी स्विच को हमने ऑन कर दिया अगर इस टाइप से, तो ट्रांजिस्टर T2 के बेस में एक एक्टिव हाई इनपुट मिलेगा और हमारा करंट बेस से एमिटर की तरफ फ्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एमिटर टर्मिनल पे हमें एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज एमिटर से कलेक्टर की तरफ तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक हमारा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट नहीं करेगा। और T1 कब कंडक्ट करेगा? जब हमारा ये वाला स्विच भी ऑन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कलेक्टर में जो आउटपुट है वो अभी भी जीरो रहेगा और हमारी एलईडी पहले की तरह अभी भी ग्लो करती रहेगी। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई होगी। उसी टाइप से हम सबसे लास्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम दोनों स्विचेस को ऑन कर दें यानी हाई कर दें, ए और बी यानी इनपुट ए इनपुट बी दोनों हम हाई कर दें, तो क्या होगा? सबसे पहले हम इसे देखते हैं, बी को, हमारा जो ट्रांजिस्टर है T2 वो हमारा कंडक्ट कर जाएगा, करंट हमारी बेस से एमिटर की तरफ फ्लो होगी और नेगेटिव चार्ज एमिटर से कलेक्टर की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ है तो एमिटर कहाँ से, हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली T1 का। तो उसी टाइप से यहाँ से भी करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो भी इसके बेस से एमिटर की तरफ होती हुई ऐसे फ्लो हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज यहाँ से होते हुए यानी T2 के एमिटर से होते हुए पहले इसके कलेक्टर पे पहुँचेगा, फिर T1 ट्रांजिस्टर के एमिटर से होते हुए इसके कलेक्टर पे पहुँचेगा, T1 के कलेक्टर पे नेगेटिव चार्ज यानी, ठीक है, एक्टिव लो सिग्नल। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो आउटपुट हमें ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है ये आई, तो यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा उस कंडीशन में। तो एलईडी को अभी तक जो पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ से मिल रहा था, एक्टिव हाई सिग्नल जो मिल रहा था इसके एनोड टर्मिनल पे, वो नहीं मिलेगा और हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो हमारी ये लास्ट वाली कंडीशन भी इस तरह से वेरीफाई हुई है। अभी ये हम प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसी तरह से ये हमारा नॉर गेट का सर्किट डायग्राम है। नॉर गेट की वर्किंग आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा होगा, तो जो हमारा और गेट होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। और गेट में क्या होता है, हमारा जो भी दो इनपुट्स होते हैं उनको ऐड कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस b का बार, यानी कि और गेट के बिल्कुल अपोजिट। यदि जीरो को जीरो में ऐड किया जाए तो क्या आएगा, जीरो, लेकिन जीरो का बार अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। जीरो प्लस वन क्या होगा, वन, लेकिन वन का आप बार कर दें तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये हमारे नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, दो ट्रांजिस्टर्स लिए हैं, हमने दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमिटर टर्मिनल को, ये आप देख रहे हैं ये जम्पर है, दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमिटर टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, या ये समझ लीजिए दोनों ट्रांजिस्टर T1 और T2 के एमिटर को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है यानी ग्राउंड किया हुआ है, और दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये T2 का कलेक्टर यहाँ पे T1 के कलेक्टर के साथ में कनेक्ट है और T1 के कलेक्टर को फिर हमने 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है।
और ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से ही LED का एक एनोड टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है और LED का कैथोड टर्मिनल हमने बैटरी के नेगेटिव से ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे हम इनपुट्स दे रहे हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, वही सेम पिछले सर्किट की तरह एक रेजिस्टर लगा के 1 किलो ओम का। तो हम पहली कंडीशन इसमें देखते हैं, यदि दोनों के बेस इनपुट्स 0 है, यानी दोनों स्विच ए और बी ओपन है, तो दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट नहीं करेगा और ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे जो आउटपुट हमारा होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो निगेटिव कनेक्शन LED को यहाँ से मिल ही जाएगा डायरेक्ट और करंट हमारा एक ऐसे फ्लो होगी I रजिस्टर के अक्रॉस होती हुई LED की तरफ। ठीक है, तो LED हमारी इस कंडीशन में ग्लो कर जाएगी। तो हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। हमारी सेकेंड कंडीशन, यदि हमारा इनपुट ए 0 है और इनपुट बी हाई यानी 1 है, ये क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा? ये हमने क्लोज कर दिया तो अभी क्या होगा, इनपुट ए यानी ट्रांजिस्टर T1 का जो इनपुट है वो 0 है, तो ट्रांजिस्टर T1 हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे क्या आउटपुट रहेगा, 0। लेकिन ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे जैसे ही हमने ये स्विच प्रेस किया, यानी इनपुट बी को हमने हाई कर दिया, हम 1 दे रहे हैं, तो पहले हम 1 और 0 का मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 यानी लॉजिक हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और लॉजिक 0, ठीक है, लॉजिक 0 या लॉजिक लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। ठीक है, 0 अगर कहीं पे है उसका मतलब 0 वोल्ट, और 1 से कहीं पे अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिप्रेजेंट हुई है कोई चीज तो उसका मतलब प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, अप्रॉक्स प्लस 5 वोल्ट हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्टिव हाई इनपुट दिया जैसे ही इस ट्रांजिस्टर पे, तो करंट हमारा बेस से एमिटर की तरफ फ्लो हो गई और नेगेटिव चार्ज एमिटर से कलेक्टर की तरफ, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हमें एक आउटपुट मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यानी T2 का कलेक्टर हमने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर के साथ में शॉर्ट किया हुआ है, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट पे भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलने लगेगा इस कंडीशन में, जिससे हमारी जो करंट बैटरी के पॉजिटिव से ये फ्लो होके आ रही थी इस पॉइंट पे, वो एक ग्राउंड कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करंट हमारी ग्राउंड होने लगेगी और LED को जो अभी पॉजिटिव इनपुट मिल रहा था यहाँ पे वो अभी नहीं मिलेगा, जिससे हमारी LED ऑफ हो जाएगी। तो हमारी ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई यानी 0। तो उसी टाइप से आप बाकी की कंडीशंस को भी वेरीफाई करा सकते हैं, वो अभी हम ब्रेकबोर्ड में इनको इंप्लीमेंट करके सारे सर्किट्स को टेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम अपने लॉजिक गेट्स का ब्रेडबोर्ड पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा नॉट गेट है, नॉट गेट का डायग्राम आपके सामने है। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, जैसे हम पहले भी कुछ सर्किट्स को इस पे टेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई देंगे। सपोज़ ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, इसका पॉजिटिव यानी रेड टर्मिनल मैं इस रो में कनेक्ट कर रहा हूँ और नेगेटिव टर्मिनल मैं नीचे वाले रो में कनेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप से। ये हो चुके हैं। उसके बाद में इसमें एक NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, तो ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था कि फ्लैट साइड से जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो कलेक्टर है, बीच वाला बेस है और लास्ट वाला एमिटर है, जो हमने टेस्ट किया था BC547 ट्रांजिस्टर। तो ये BC547 ट्रांजिस्टर है, इसमें लेफ्ट साइड से पहला टर्मिनल आप टेस्ट करके देख चुके हैं वो कलेक्टर होता है, बीच वाला बेस और तीसरा एमिटर लेफ्ट साइड से। तो ये हमने यहाँ पे कहीं भी इस तरह से लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम में देख रहे हैं इसके एमिटर टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है। तो इस सर्किट पे हम एक वायर की हेल्प से, इसका ये एमिटर टर्मिनल है, तो जिस कॉलम में हमने इसका एमिटर टर्मिनल इंसर्ट किया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में ऐसे हम एक वायर से इसको ग्राउंड कर देंगे। ये ग्राउंड हो गया है। उसके बाद इसके कलेक्टर टर्मिनल को आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ ब्रेडबोर्ड पे इसका कलेक्टर टर्मिनल इस कॉलम में इंसर्ट है,
तो सेम कॉलम में हम एक 1 किलो ओम रेजिस्टर का एक टर्मिनल इंसर्ट करेंगे और उसी रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल, ये जो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल जिसमें कनेक्ट है उस रो में इंसर्ट कर देंगे रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल। तो ये वाला कनेक्शन हमारा हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक एलईडी कनेक्ट है, ठीक है। एलईडी का एनोड टर्मिनल, एनोड आपको पता है एलईडी के जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे इसकी लेंथ ज़्यादा है ये वाला टर्मिनल, तो ये हमारा एनोड होगा, जिसकी कम है वो कैथोड होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एलईडी का एनोड हमने कनेक्ट किया है, तो ये जिस कॉलम में हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इंसर्ट किया गया है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में हम एलईडी का एनोड टर्मिनल इंसर्ट कर देंगे इस टाइप से। और एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से एलईडी का जो कैथोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल अब इस कॉलम के अंदर इंसर्ट हुआ है इस कॉलम में, तो एक वायर की हेल्प से हम इसे ग्राउंड कर देंगे। अब डायग्राम में देख रहे हैं उस टाइप से हम इसे यहाँ पे अब ग्राउंड कर दे रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया है। उसके बाद हमें इसके बेस पर ये एक इनपुट देना है 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ये आप एक स्विच देख रहे हैं, इसमें 4 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये स्विच में 4 टर्मिनल्स होते हैं और इनके जो कनेक्शन होते हैं वो क्रॉस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यानी इस टर्मिनल का कनेक्शन इसके साथ में होगा और इस टर्मिनल का कनेक्शन इसके साथ में, यानी क्रॉस, ठीक है। 4 टर्मिनल्स हैं तो उसको मैं कहीं भी ऐसे लगा लूँगा इस पर, या मैं ऐसे लगा ले रहा हूँ, इस टाइप से मैंने लगा दिया। उसके बाद ये मैंने स्विच लगा दिया है, सपोज़ मैं इस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये देख रहे हैं, तो इस स्विच का एक टर्मिनल कहाँ बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये मेरा स्विच है। मैंने बताया क्रॉस कनेक्शन होते हैं, तो ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो मैं इसमें, यानी इसी में हम पॉजिटिव कनेक्शन ले रहे थे, तो इसी रो के अंदर मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद इसी स्विच का दूसरा टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के बेस से कनेक्ट है, तो इसका जो दूसरा स्विच होगा, टर्मिनल होगा स्विच का, वो मैंने बताया क्रॉस कनेक्शन हम लेते हैं, तो ये मेरा इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया बेस के साथ, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया कनेक्शन, मैं अभी बैटरी इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा बन चुका है, तो ये हमारा स्विच है। जब तक हमने इस स्विच को प्रेस करके नहीं रखा हुआ, यानी इनपुट हम 0 दे रहे हैं, इसके बेस पे ट्रांजिस्टर के बेस पे 0 इनपुट है, तो आउटपुट हमारा हाई है, जो कि आप नॉट गेट की ट्रुथ टेबल से भी देख रहे हैं। यदि इनपुट हमारा 0 है तो आउटपुट 1 यानी हाई है, एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। दूसरी कंडीशन, यदि हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो इसका जो बेस इनपुट है ट्रांजिस्टर का वो हाई हो जाएगा और आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा, जिससे हमारी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया। इस टाइप से मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ मोड में जा रहा है एक तरह से, और जो एलईडी है वो भी ऑफ हो रही है। इस टाइप से देखिए, तो इस टाइप से आपका नॉट गेट वेरीफाई हो गया, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। इसके बाद हम आगे कुछ दूसरे लॉजिक गेट्स को कवर करते हैं। सपोज ये हमारा एंड गेट है, एंड गेट में भी आप इसी टाइप से देखेंगे। एंड गेट में आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर है और इसके बेस पे दो स्विच के थ्रू ए और बी हमारे दो इनपुट्स हैं, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड है, कलेक्टर से एक एलईडी कनेक्ट है, एलईडी का कैथोड और एलईडी का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है।
ये हमारे एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, ये भी हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं, ए और बी दोनों हाई हैं, केवल उस कंडीशन में हमारा इस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट समझ लीजिए या हमारा जो एलईडी है वो केवल एक कंडीशन में ग्लो करेगी जब हमारे दोनों इनपुट्स ए और बी हाई होंगे, ठीक है, अदरवाइज हमारी एलईडी ऑफ रहेगी बाकी सारी कंडीशंस के लिए। तो इससे हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमने ये बैटरी के कनेक्शंस कर लिए, हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया इस टाइप से, इस ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग बैटरी के नेगेटिव से यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये आप देखिए इस टाइप से। उसके बाद में यहाँ पे हमने दो स्विचेस कनेक्ट कर लिया इसे, ये आपके दो स्विचेस हो गए। तो स्विचेस को मैंने बताया था इनमें जो टर्मिनल्स होते हैं उनके क्रॉस कनेक्शन होते हैं, यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ में और या इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ में। तो आप देख रहे हैं पहले स्विच का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो मैंने इस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, कि ठीक है। उसके बाद स्विच ए का जो दूसरा टर्मिनल है वो स्विच बी के पहले टर्मिनल से कनेक्ट है, तो स्विच बी का दूसरा टर्मिनल ये है। इसको सपोज मैंने स्विच ए के सॉरी स्विच बी के पहला टर्मिनल यानी इस टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और स्विच बी का दूसरा टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट है। तो ये मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे एलईडी का कैथोड टर्मिनल लगा हुआ है, तो कैथोड एलईडी का वो होता है टर्मिनल होता है जिसकी लेंथ कम होती है। तो ये मेरा इस कॉलम में इस ट्रांजिस्टर का कैथोड टर्मिनल इंसर्ट है, तो सेम कॉलम में मैं सेम कॉलम के किसी दूसरे होल में एलईडी का कैथोड टर्मिनल इंसर्ट कर दूंगा और एलईडी के एनोड टर्मिनल को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से मैं कनेक्ट कर दूंगा इस टाइप से, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम इसे पावर सप्लाई देते हैं, तो सबसे पहले ये हमारे दो स्विचेस हैं, ये हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी एंड गेट की, जब दोनों इनपुट्स जीरो हैं, ये वाली पहली कंडीशन, जब दोनों इनपुट्स ट्रांजिस्टर एक ही हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो स्विचेस हैं वो दो हैं ए और बी, जब दोनों स्विचेस हमारे जीरो पोजीशन पे हैं, जीरो जीरो, तो हमारा आउटपुट जीरो है। आप देख रहे हैं हम इन स्विचेस को प्रेस नहीं कर रहे, तो दोनों ओपन कंडीशन में हैं इस तरह से, तो हमारे आउटपुट जो है यहाँ पे कलेक्टर पे वो ज़ीरो है जिससे एलईडी हमारी ऑफ है। उसी तरह से अगर हम ट्रांजिस्टर ए को सॉरी स्विच ए को ज़ीरो पोजीशन पे रख रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे हैं, और बी को प्रेस कर रहे हैं, तो भी हमारा आउटपुट ज़ीरो होगा, ये देखिए, ठीक है। यदि हम स्विच ए को प्रेस कर रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्विच ए यानी इनपुट ए हाई कर रहे हैं, इनपुट बी लो रख रहे हैं, तो भी हमारा आउटपुट जो है वो लो रहेगा इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, और केवल उस कंडीशन में जब हम दोनों स्विचेस को ऑन कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट हाई होगा इस तरह से, ठीक है। मैंने दोनों स्विचेस को एक साथ प्रेस किया तो हमारा आउटपुट हाई हुआ, यानी स्विच ए भी हाई है और स्विच बी भी हाई है, यानी दोनों स्विचेस क्लोज हैं तो हमारा आउटपुट हाई हो गया। इससे हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है, आप देखिए इस टाइप से देखिए। इससे मैं
स्विच ए को प्रेस कर रहा हूँ, इससे मैं स्विच बी को प्रेस कर रहा हूँ इस टाइप से, वन मिनट, तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। जब मैं दोनों स्विचेस को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं एलईडी ग्लो कर रहे हैं, और मैं जब हटा रहा हूँ यानी ओपन कर दे रहा हूँ तो ऑफ हो रही है इस टाइप से। तो इससे हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है। उसके बाद ये हमारे और गेट का सर्किट डायग्राम है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। तो सबसे पहले पिछले ही सर्किट की तरह हम ये पावर सप्लाई लगा दे रहे हैं, और ये हमारे दो NPN ट्रांजिस्टर्स इस तरह से हम ले ले रहे हैं कहीं पे। ये हमने कनेक्ट कर दिया एक ट्रांजिस्टर, और ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो गया NPN। उसके बाद आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में पहला ट्रांजिस्टर का एमिटर दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर के साथ में शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर है इस कॉलम में, तो इसी में एक वायर इंसर्ट करके ऐसे, यानी उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर को कनेक्ट कर लेंगे आपस में। उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल है वो एक रजिस्टर के अक्रॉस, ये हमारा 4.7 के का एक रजिस्टर होगा, 4.7 या 10 के का हो सकता है, 4.7 के, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप 10 के भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको 10 के का रजिस्टर, ये हमारा 10 के का रजिस्टर है। तो हम 10 के रजिस्टर के अक्रॉस दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर को ग्राउंड कर देंगे, यानी बैटरी के नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में इसी सेम टर्मिनल से, यानी सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमिटर से ही, यानी जहाँ पे रजिस्टर 4.7 के का या 10 के का रजिस्टर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, यानी रजिस्टर का एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के एमिटर को ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सेम उसी पॉइंट से हम एक LED का एनोड टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी LED है, इसका एनोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और इसके कैथोड टर्मिनल को हम एक वायर की हेल्प से ग्राउंड कर देंगे। LED का कैथोड टर्मिनल आप देख रहे हैं ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड कर दिया इस टाइप से। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर टर्मिनल्स हैं, ये देखिए ये कलेक्टर दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ शॉर्ट है, तो एक वायर की हेल्प से हम दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर को आपस में शॉर्ट कर ले रहे हैं इस टाइप से, और दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर आपस में शॉर्ट होके बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्ट है, या आप ये कह सकते हैं दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं। तो या तो आप इनको अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से, ये हमने T1 का कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये हमने T2 का टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, या फिर आप दोनों को एक साथ शॉर्ट करके किसी एक ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए, तो दोनों टर्मिनल्स हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल्स दोनों के बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग कर लीजिए, या दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर लीजिए आपस में, और किसी एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर फिर आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए इस टाइप से। तो उससे क्या होगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया है, तो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर हमारे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे स्विच ए और स्विच बी की हेल्प से एक एक्टिव हाई इनपुट दिया गया है, पॉजिटिव इनपुट 1 kΩ रजिस्टर के अक्रॉस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो स्विचेस लगा ले रहे हैं, जैसे सपोज हमारा एक ये स्विच हो गया, और हमारा दूसरा स्विच यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे एक 1 kΩ का रजिस्टर लगा हुआ है, तो दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे हमने ऐसे 1 kΩ के
दो रेजिस्टर्स लगा के छोड़ दिया इस टाइप से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्विच ए का एक पहला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो सपोज़ ये हमारा स्विच ए है और मैंने बताया कि इनके क्रॉस कनेक्शंस किए जाते हैं, तो स्विच ए का पहला टर्मिनल इस कॉलम में है, इस कॉलम को मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा और इसी स्विच का दूसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं स्विच ए का एक 1 किलो ओम रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पर लगा हुआ है। तो ये इसका दूसरा टर्मिनल होगा क्रॉस में और इसे मैं 1 किलो ओम रेजिस्टर के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा और इस 1 किलो ओम रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट कर देगा। तो मेरा ट्रांजिस्टर T1 के सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, उसी तरह से मैं ट्रांजिस्टर T2 के सारे कनेक्शंस कंप्लीट कर लूंगा। उसके लिए मुझे ये मेरा स्विच है, इसका पहला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये आप देख रहे हैं, और दूसरा टर्मिनल इसका यहाँ से ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हम इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कराते हैं। तो हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर ले रहे हैं, बैटरी कनेक्ट होने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें जब हमारे दोनों स्विचेस ज़ीरो पोजीशन पे हैं यानी ओपन है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो है, एलईडी हमारी ग्लो नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा स्विच ए की पोजीशन ज़ीरो है और बी हाई है यानी वन है, बी को प्रेस करेंगे हम तो आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा। ये देखिए बी ज़ीरो रखा है, इसको हमने प्रेस किया तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, इस टाइप से देखें, ठीक है। तो हमारी ट्रुथ टेबल की दूसरी कंडीशन वेरीफाई होगी। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि हम स्विच ए को हाई रख रहे हैं बी को ज़ीरो रख रहे हैं तो हमारा आउटपुट हाई होना चाहिए ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इस टाइप से। तो हमारी ये कंडीशन भी और गेट की वेरीफाई हो गई। और गेट की अब लास्ट कंडीशन है, यदि दोनों स्विचेस हमारे क्लोज पोजीशन में हैं यानी हाई हैं दोनों इनपुट्स तो हमारा आउटपुट हाई होना चाहिए। अब हम दोनों स्विचेस को एक साथ प्रेस करें इस टाइप से तो आप देख रहे हैं तो भी हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। हम दोनों स्विचेस को एक साथ प्रेस कर रहे हैं ऐसे तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। तो इससे हमारी और गेट की सारी कंडीशंस वेरीफाई हो गई। उसके बाद आपने पढ़ा है कि हमारा जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट हमारा एंड तथा नॉट गेट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग होती है वो एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो ये आप ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, एंड गेट में क्या होता था, यदि हमारे दोनों इनपुट ज़ीरो होते थे तो आउटपुट भी ज़ीरो होता था लेकिन यहाँ पे वन रहेगा। उसी तरह से इस कंडीशन में भी एंड गेट का जो आउटपुट था वो ज़ीरो रहता था लेकिन यहाँ पे वन है। इस कंडीशन के लिए भी हमारा ज़ीरो रहता था लेकिन यहाँ पे वन है। एंड गेट में केवल एक कंडीशन में आउटपुट हाई रहता था, जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई कंडीशन में रहते थे, ठीक है। दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट हाई है लेकिन यहाँ पे जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हमारी नैंड गेट का सर्किट डायग्राम है। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो इसमें भी क्योंकि दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं हम और दो ही स्विचेस हैं तो उनको हमने उसी पोजीशन में लगा रहने दिए हैं, सिर्फ कुछ कनेक्शंस चेंज होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा ट्रांजिस्टर T1 है, ये हमारा T2 है। तो T2 का एमिटर टर्मिनल हमारा ग्राउंड है, यानी ये हमारा T2 है, इसका एमिटर टर्मिनल हमने बैटरी के नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर ट्रांजिस्टर T1 के एमिटर के साथ में कनेक्ट है, यानी T1 का एमिटर ये ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर के साथ में कनेक्ट है, ये हो गया। उसके बाद में हमारा ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये हमने इसके कलेक्टर को 1 किलो ओम रेजिस्टर से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो 1 किलो ओम रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से एक एलईडी का एनोड टर्मिनल कनेक्ट है और उसी एलईडी का कैथोड टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ है। तो ये हम इस तरह से कर देंगे और इसके कैथोड टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। अभी के लिए हम ये बैटरी हटा देते हैं जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ये कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए।
उसके बाद दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे स्विच ए और स्विच बी की सहायता से हम दो एक्टिव हाई इनपुट दे रहे हैं, और साथ में हमने 1 kΩ का एक रेजिस्टर भी लगाया हुआ है स्विच के साथ सीरीज में, तो वो भी हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। अब दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे हमने दो ये स्विचेस लगा लिए हैं। उसी तरह से स्विच का पहला टर्मिनल यानी क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, तो इसको हम मान के चल रहे हैं पहला, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहे हैं। और इसी स्विच का दूसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं, स्विच ए का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल रेजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये हम ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे जो रेजिस्टर लगाया है उसके एक टर्मिनल से उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में इंसर्ट करके कनेक्ट कर दिया, और उस रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल बेस पे कनेक्ट है। इसी टाइप से हम स्विच नंबर 2 के दोनों टर्मिनल्स को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये लगा दिया, यानी स्विच 2 का पहला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और स्विच 2 का ही दूसरा टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर 2 के बेस पे जो एक रेजिस्टर लगा हुआ है उसके एक टर्मिनल पे, एक सिरे पे, और उसी रेजिस्टर का दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे कनेक्ट है। तो ये हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी LED इसमें ग्लो कर रही है इस टाइप से, ठीक है, जो कि आप NAND गेट की ट्रुथ टेबल से जानते हैं। यदि दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट हमारा हाई होगा। आप देख पा रहे हैं आउटपुट हमारा हाई है। यदि हमारा स्विच ए ओपन है यानी 0 है और स्विच बी हाई पोजीशन में है तो भी हमारा आउटपुट हाई होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं आउटपुट हाई है। उसके बाद थर्ड कंडीशन, यदि हमारा स्विच ए हाई पोजीशन में है, स्विच बी 0 है यानी लॉजिक लो है तो भी आउटपुट हमारा हाई है। इस तरह से, ठीक है। सबसे लास्ट कंडीशन, यदि हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं, ठीक है, यानी दोनों स्विचेस हमने प्रेस किए हैं, केवल उस कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 होगा इस टाइप से, ठीक है। जब मैं दोनों स्विचेस एक साथ प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये आउटपुट हाई हो रहा है, सॉरी लो हो रहा है इस टाइप से। स्विच ए और बी यदि दोनों एक साथ 1 पोजीशन पे हैं तो हमारा ये एक, एक, एक इस तरह से देखिए, ठीक है। तो इससे आपकी NAND गेट की सारी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। उसके बाद हम NOR गेट के सर्किट डायग्राम को अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग करेंगे इस डायग्राम की, और NOR गेट की जो ट्रुथ टेबल हमारी होती है वो हम वेरीफाई करेंगे उसको। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा OR गेट, आपने पढ़ा तो मैंने बताया था कि हमारा जो NOR गेट होता है, NOR गेट की वर्किंग OR गेट के बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि NOR गेट OR गेट तथा NOT गेट को मिलाकर बनता है, ठीक है, जिससे इसकी वर्किंग OR गेट के बिल्कुल अपोजिट होती है। वो आपको ट्रुथ टेबल से दिख भी रहा होगा, यानी NOR गेट की जो हमारी बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी वर्किंग OR गेट के बिल्कुल अपोजिट होगी। तो उसी तरह से इसमें भी हमारे दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं, दो स्विचेस हैं, तो हमने इनको ऐसे ही ब्रेडबोर्ड पे लगे रहने दिया है, पिछले सर्किट का ही, तो कोई चेंज नहीं है, मतलब कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर ली, उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं आप देख रहे हैं इसमें, ट्रांजिस्टर T2 है ये हमारा, इसका एमिटर हमने क्या किया है, ग्राउंड किया हुआ है। ये हमने इसके एमिटर को ग्राउंड कर दिया, सॉरी ट्रांजिस्टर T2 का एमिटर हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया यानी ग्राउंड कर दिया, और ट्रांजिस्टर T1 का एमिटर भी हमारा ग्राउंड है तो हमने इसे भी ग्राउंड कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं, तो हमने दोनों के कलेक्टर टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरह से। उसके बाद ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर है वो 1 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर को 1 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है।
उसके बाद ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे LED का एनोड टर्मिनल कनेक्ट है और LED का कैथोड टर्मिनल ग्राउंड है। तो हमने एक LED ली इस तरह से और उसका एनोड यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो एनोड है, उसको ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। यानी LED का एनोड टर्मिनल हमने सेम कॉलम जिसमें ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर इंसर्ट है उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में LED का एनोड टर्मिनल इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारी LED का एनोड टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने बताया था एक कॉलम को अगर आप ऐसे देखेंगे वर्टिकली तो वो आपस में शॉर्ट रहता है। उसके बाद हम LED के कैथोड टर्मिनल को एक वायर की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे इस टाइप से। तो LED का कैथोड टर्मिनल अब हमारा ग्राउंड हो गया है। अब हम दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे 1 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस स्विच ए और बी कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस टाइप से इनके बेस पे दो रेजिस्टर्स कनेक्ट कर लिए। उसके बाद सपोज़ ये हमारा स्विच ए है तो स्विच ए का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो स्विच ए का ये वाला टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और स्विच ए का दूसरा टर्मिनल इस टाइप से रेजिस्टर यानी एक रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे कनेक्ट है इस टाइप से। उसी टाइप से हमारा स्विच बी का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और स्विच बी का दूसरा टर्मिनल एक वायर की हेल्प से दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट है 1 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ये हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम ये बैटरी कनेक्ट करते हैं इस पर। तो आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, ये हमारा ट्रुथ टेबल है, जब हमारे इनपुट ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट हमारा हाई है। आप यहाँ देख रहे हैं सर्किट में इस टाइप से वायर हिल रहा है, हाँ अभी देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने स्विच ए और बी को अभी ओपन रखा हुआ है, हमने इनको प्रेस नहीं किया है। तो स्विच ए और बी दोनों ज़ीरो पोजीशन पे हैं लेकिन हमारी जो LED है वो हाई है, तो उससे हमारी ट्रुथ टेबल की पहली कंडीशन वेरीफाई हुई है। दूसरी कंडीशन, यदि हमारा स्विच ए ज़ीरो पोजीशन पे है और स्विच बी हाई है तो हमारा LED ऑफ हो जाएगा ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, ये देखें ठीक है। तो इससे हमारी ट्रुथ टेबल की सेकंड कंडीशन वेरीफाई हो गई। थर्ड कंडीशन में यदि हमारा स्विच ए हाई है बी ज़ीरो है, यानी ए लॉजिक 1 पे है और बी हमारा लॉजिक 0 पे है, तो भी हमारा आउटपुट 0 रहेगा इस टाइप से, ठीक है। और यदि हमारे दोनों स्विचेस ए और बी लॉजिक हाई पोजीशन पे हैं यानी दोनों स्विचेस ऑन हैं तो भी हमारा आउटपुट 0 रहेगा इस टाइप से, ठीक है। आप ऐसे देखें ठीक है। तो इससे हमारी नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई हो रही है।